नेक्स्ट है, मान लो आपके पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर ये मैन खड़ा हुआ है और लिफ्ट कहाँ एक्सेलरेट कर रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, और आपको बताना है कि लिफ्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी, सच दैट जब मैन से पूछा जा रहा है तेरा अपरेंट वेट कितना है, अपरेंट का मतलब तेरे को क्या लगा तेरा वेट कितना है, तो वो कहता है मुझको मुझे लग रहा है कि मेरा एक्चुअल वेट एम जी लग नहीं रहा, लिफ्ट के अंदर मेरा वेट एम जी बाई फोर लग रहा है। तो जो अपरेंट वेट होता है वो होता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। लास्ट टाइम लिफ्ट वाले केस किए थे, लिफ्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि एन स्टैंड फॉर नॉर्मल रिएक्शन एंड एन स्टैंड फॉर अपरेंट वेट, एक ही बात है। अगर आप एन निकालते हैं इसका मतलब अपरेंट वेट निकालते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती है तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी माइनस ए, और अगर ऊपर जाती है एम इंटू जी प्लस ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि इसमें लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन एन क्या होगा, एम इंटू जी माइनस ए, क्लियर है। और एन स्टैंड फॉर अपरेंट वेट। अब क्वेश्चन में मैन क्या कह रहा है, मेरा अपरेंट वेट कितना है, एम जी बाई फोर, तो एम से एम क्या हो गया कैंसल, जी बाई फोर इक्वल टू जी माइनस ए, यहां से किसकी वैल्यू आ गई, ए की, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, थ्री जी बाई फोर। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो उसको एक्सेलरेशन लिफ्ट की आ गई थ्री जी बाई फोर। तो समझ में आ रहा है कि लिफ्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, या तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन पूछ लेगा, लिफ्ट की एक्सेलरेशन दे देगा, अगर तो वो पूछ लेगा तो नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, और अगर लिफ्ट की एक्सेलरेशन देगा तो नॉर्मल रिएक्शन पूछ लेगा, कुछ भी एक चीज। फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच अ मैन कैन स्लाइड अपवर्ड्स सच दैट मैक्सिमम टेंशन इज 100 न्यूटन। देखो अब ये क्वेश्चन के अंदर देखो, एक मैन है, वो ना मैन रस्सी से ऊपर चढ़ रहा है, जो रस्सी से ऊपर चढ़ रहा है तो जो रस्सी है वो टाइट हो जाएगी, और रस्सी जो टाइट होती है वो टाइट वहां से होगी जहां से उसने पकड़ा हुआ है, उसके नीचे जो रस्सी लटक रही है उसमें कोई टेंशन नहीं, वो तो हवा में झूलती रहेगी, जहां से पकड़ लिया ऊपर तक टेंशन है, नीचे कोई टेंशन नहीं है, लूज हो जाएगी रस्सी। अब दूसरा पॉइंट ये समझो, जब हम रस्सी पे ऊपर चढ़ते हैं तो अगर हम बहुत तेज चढ़ रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो टेंशन रस्सी में उतनी ज्यादा हो जाएगी और टूटने का डर भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। हम आराम आराम से चढ़ेंगे तो टेंशन कम रहेगी, रस्सी टूटने का डर उसमें कम है। तो ये ना सोचें कि मेरा वेट वहां से चेंज होगा, मेरा वेट तो मेरा वेट है, अब मैं तेज चढ़ूं या मैं स्लो चढ़ूं या मैं रुक जाऊं, टेंशन तो टेंशन है, नहीं ऐसा नहीं होता। टेंशन वेरी करती है, आप तेज चढ़ रहे हैं, आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे चढ़ रहे हैं या आप रेस्ट पे, टेंशन चेंज होगी। तो कभी भी अगर रस्सी कमजोर है और आपको है कि मैं जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ जाऊं, तो फिर समझो रस्सी टूटेगी टूटेगी, और रस्सी कमजोर है अगर तो आप प्लीज उसे धीरे धीरे आराम आराम से चढ़ना, टेंशन कम रहेगी, रस्सी टूटने का डर कम रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। अब ऐसा होता क्यों है, समझने की बात यह है, ऐसा क्यों हो रहा है, वेट तो वेट है, तेज चढ़ूं स्लो चढ़ूं फर्क क्या पड़ रहा है, भार तो भार ही है और रस्सी तो भार से टूटेगी। देखो ऐसा होता है, जब एक मैन जो है इस स्ट्रिंग के ऊपर चढ़ेगा, इसके ऊपर, तो यहां पर क्या डेवलप हो जाएगी, इसमें टेंशन, कोई डाउट इसमें। इस मैन का जो वेट है वो कहां ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैन ऊपर क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, सही है। तो अगर मैं इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ऊपर की फोर्स क्या है, टी, नीचे की फोर्स क्या है, एम जी, और ऊपर की फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन ए। ये डायग्राम बनेगा मैन का, उसको टेंशन पता है, उसका वेट पता है और ए पता है। और क्योंकि मैन ऊपर जा रहा है, हम सब इस मैन को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, हम ग्राउंड के फ्रेम में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैन ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा होगा, एम जी छोटा होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या, एम ए। तो टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम इंटू जी प्लस ए। अब सोचो ना, एक्सेलरेशन जितनी ज्यादा होगी टेंशन उतनी ज्यादा होगी, एम इंटू जी एम जी प्लस एम ए। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो टेंशन क्या होगी, सिर्फ एम जी हो जाएगी। इसका मतलब मानना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो टेंशन को चेंज करती है। तो आपको स्लो चढ़ना है, तेज से चढ़ना है या वहीं रुक जाना है, टेंशन की वैल्यू वेरी करेगी उसमें, कोई डाउट इसमें। अपोजिंग फोर्स कैसे, नहीं, टेंशन डेवलप होती है स्ट्रिंग में, ये फ्रिक्शन की तरह अपोजिंग फोर्स नहीं है, अपोजिंग होती है, मैं आगे जा रहा हूँ टेंशन रोक रही है, नहीं वो नहीं है, टेंशन तो डेवलप हो रही है, रस्सी कहती है मेरे अंदर जोर पड़ रहा है, मैं टेंशन फोर्स डेवलप कर लूंगी जिसका नाम है टेंशन।
क्लियर है यहां तक? अब पॉइंट क्या है समझने वाला, पॉइंट ये है कि जब मैंने ये एग्जांपल अभी लिखा, इस एग्जांपल में मैंने क्या कहा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिखा, राइट? तो टी इज इक्वल टू क्या लिखा, एम जी प्लस एम ए लिखा, ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक, ऐसे लिखा। आप मुझे एक बात बताओ सिर्फ कि एम जी तो कॉन्स्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं, एम जी इज कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, एम इज अ कॉन्स्टेंट, एम भी कॉन्स्टेंट है। तो अगर मैं एक्सलेशन ज्यादा रखता हूं ऊपर चढ़ने की, तो टेंशन की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं एक्सलेशन ज्यादा रखता हूं तो टेंशन भी ज्यादा होगी, एक्सलेशन और ज्यादा रखता हूं टेंशन और ज्यादा होगी, एक्सलेशन और बढ़ाता हूं टेंशन और ज्यादा। अब ऐसा ना हो ना, इतनी एक्सलेशन बढ़ा दो कि टेंशन इतनी हो जाए कि रस्सी टूट ही जाए, ये भी तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब कि अगर मैं एक्सलेशन को बहुत ज्यादा कर दूं तो रस्सी टूट सकती है, और मुझे रस्सी को टूटने नहीं देना, तो मैं अपनी तरफ से एक्सलेशन उतनी रखूंगा मैक्सिमम कि रस्सी ना टूटे। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये टेंशन जो मैक्सिमम है इसकी, टी मैक्स है, टी मैक्स का मतलब, जैसे मान लो टी मैक्स की वैल्यू 100 न्यूटन है, अगर आपने 101 न्यूटन लगा दिया रस्सी टूटी टूटी, ये मैक्सिमम टेंशन जो सपोर्ट कर सकती है वो टी मैक्स है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर टेंशन टी मैक्स है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी यहां पर क्या पुट करनी पड़ेगी, ए मैक्स। भाई इससे ज्यादा एक्सेलेरेशन मत करना, क्योंकि अगर आपने एक्सेलेरेशन ए मैक्स से ज्यादा कर दी तो टेंशन बढ़ जाएगी और रस्सी टूट जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का मतलब है कि वो एक्सेलेरेशन कि आप जिससे ऊपर चढ़े और स्ट्रिंग टूटे भी ना, और अगर आपने एक्सेलेरेशन बढ़ा दी उससे तो स्ट्रिंग पक्का टूट जाएगी, तो उस एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं, ए मैक्स बोलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आई, टी माइनस एम जी इज एम ए में मैंने ए मैक्स और टी मैक्स पुट कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सेलेरेशन मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि जब ए मैक्स होगा तो टी भी मैक्स होगा। क्लियर है यहां तक? और क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम टेंशन जो इस स्ट्रिंग सपोर्ट कर सकती है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन है। क्लियर है यहां तक? तो आपने यहां पुट किया 100, इससे ज्यादा टेंशन सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, ए मैक्स। तो यहां पर एम जी पता है, एम पता है, तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा, ए मैक्स। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोच रहे हैं इन क्वेश्चन में, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो जब जब इसमें टेंशन मैक्स नहीं होगी, मान लो नहीं है, 50 न्यूटन देता है वो, तो एक्सेलेरेशन भी फिर स्लो होगी उसकी, टेंशन वो मैक्सिमम दे रहा है तो एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम होगी। टाइम का कोई चक्कर नहीं है इसमें, वो एक्सेलेरेशन कवर कर गया ना, टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो टाइम हो चुका, एक्सेलेरेशन इटसेल्फ इन्वॉल्व्स वेलोसिटी का चेंज एंड टाइम। क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में एक ट्री है, एक पेड़ है, ये मंकी है, बंदर चढ़ेगा रस्सी पे, रस्सी यहां से जाती है और यहां एक क्लैंप है, ये टी क्लैंप है, ये क्लैंप कुछ ऐसा क्लैंप है, ये देखो, ये रहा, ग्राउंड के अंदर डाल दिया, ये ग्राउंड है और रस्सी इसके साथ लपेटी जा सकती है, जिसे जानवरों को बांधते हैं कि भागना जाए क्लैंप, तो ये ऐसा क्लैंप है। अब क्या प्रॉब्लम है इसकी, प्रॉब्लम यह है कि जो मंकी है वो ऊपर चढ़ रहा है, मंकी का मास थोड़ा ज़्यादा है इसमें, 60 kg है, 60 kg का मंकी है, 60 kg इसका वेट है, और टेंशन डेवलप होगी, रस्सी तो एक ही है तो टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम, पेड़ का मास नहीं है, पेड़ का मास होता तो यहाँ टेंशन लग, यहाँ टेंशन अलग हो जाती, क्योंकि एक मास, दो मास और फिर तीसरा हो जाता, तो उसमें कोई मास नहीं है, तो एक ही रस्सी जा रही है, तो टेंशन TNT TNT। क्लियर है यहां तक? और आपको एंगल गिवन है इसके साथ 30 degree, कोई डाउट इसमें? अब जब स्ट्रिंग टेढ़ी होती है, सबको पता है टेंशन के कंपोनेंट्स बनते हैं, हम ऐसे टेंशन को भी लेते भी नहीं है, तो टेंशन का एक कंपोनेंट क्या बनेगा, थीटा के साथ क्या, टी कॉस 30 और परपेंडिकुलर टी साइन 30, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन है। अब क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द मंकी। अब प्रॉब्लम क्या है, इस मंकी को ऊपर ऊपर तेज चढ़ना है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के साथ। अब मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से अगर वो ज्यादा एक्सेलरेट कर जाता है तो क्या होगा, रस्सी टूटेगी या फिर क्लैंप यहां से निकल जाएगा, क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो टी साइन 30
काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और ये क्लैंप को ऊपर निकाल देगा, हाँ, या टूटेगी या ऑब्वियसली क्लैंप निकले एक तो चीज़ होगा, जोर तो पड़ेगा ही ना कहीं, अब रस्सी अगर मान लो क्लैंप लूज है तो क्लैंप निकलेगा, क्लैंप लूज नहीं है तो रस्सी टूट जाएगी, दोनों में से काम तो होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालो मंकी की व्हेन अपवर्ड फोर्स कितनी है 360 न्यूटन, तो ऊपर की फोर्स कितनी है 360 न्यूटन, क्लियर है यहां तक? तो अपवर्ड फोर्स है 360 न्यूटन, अपवर्ड फोर्स किस पे? क्लैंप पे, कि अबव 360 न्यूटन क्लैंप विल कम आउट। तो ये 360 न्यूटन क्या है? साफ गिवन है क्लैंप की अपवर्ड फोर्स। अब क्लैंप पे मैंने अपवर्ड फोर्स कौन सी बनाई है? ये तो मेरी अपवर्ड नहीं है, ये भी मेरी अपवर्ड नहीं है, तो अपवर्ड क्या है? T sin 30, टी साइन 30 क्लैंप के ऊपर अपवर्ड फोर्स है, देख रहे हो वेक्टर, देख रहे हो टी साइन 30 अपवर्ड फोर्स है। अब आपको इस क्वेश्चन में टी साइन 30 की वैल्यू गिवन है कितनी? 360, क्लियर है यहां तक? तो उसने कहा कि 360 के ऊपर ज्यादा अगर आपने अपवर्ड फोर्स कर दी क्लैंप निकल जाएगा बीच में से, तो एक काम करते हैं इसको 360 पुट कर लेते हैं मैक्सिमम। तो अगर मैं इसको मैक्स पुट करता हूं राइट साइड को तो टी भी ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? मैक्सिमम। भाई अगर ये मैक्स है तो ये भी मैक्स है ना, तो यहां से साइन 30 हाफ होता है तो टी मैक्स की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई? 720 न्यूटन। यानी कि आपको यह पता लग गया कि रस्सी टूट जाएगी अगर 720 न्यूटन से ज्यादा आपकी टेंशन हो गई तो, या क्लैंप निकल जाएगा या रस्सी टूट जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये जो वैल्यू गिवन है ये समझ में आया, टी साइन 30 की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है कितनी? 360, क्योंकि इसके ऊपर तो निकल ही जाएगा क्लैंप, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां पर क्या रही होगी? मैक्सिमम। तो यहां से टी मैक्स आ गया। अब मंकी के ऊपर चलते हैं, मंकी को पता लग गया अब मेरी एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने की बारी आ गई और रस्सी की जो टेंशन है उसको टी मैक्स पता लग गया कि ये टी मैक्स की वैल्यू के हिसाब से मुझे अपनी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करनी है, अपने मन से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर ये मंकी ऊपर चढ़ रहा है, इसका वेट क्या है? 60 g, मंकी के ऊपर ये टेंशन कितनी है? टी की जगह टी मैक्स कर दें, तो अगर टी मैक्स है तो ए भी क्या है? मैक्स है। भाई टेंशन ज्यादा करोगे तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा मिलेगी, क्लियर है यहां तक? और क्योंकि मंकी ऊपर चढ़ रहा है तो कौन सी फोर्स पड़ी है? टी मैक्स पड़ी है और 60 g छोटा है, तो टी मैक्स माइनस 60 g इज 60 into A max। इक्वेशन क्लियर है यारी? तो इस क्वेश्चन में टी मैक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 720, सॉल्व करके ए मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड। देखो उसने कहा कि अपवर्ड फोर्स जितनी भी है 360 है, अगर आपने 360 से ज्यादा कर दी क्लैंप निकल जाएगा। मैंने अपवर्ड फोर्स क्या निकाली? टी साइन 30, तो टी साइन 30 को अगर 360 पुट करता हूं उससे ऊपर तो कर भी नहीं सकता, तो यानी कि टेंशन क्या रही होगी? मैक्सिमम। अगर अच्छा ओके, आप ये कह रहे हो कि क्या पता 360 से कम हो, 360 तो मैक्सिमम वैल्यू है, पर क्या पता टी की वैल्यू मैक्सिमम ना हो, और टी की वैल्यू मैक्सिमम ना हो तो हो सकता है इसकी वैल्यू से 300 न्यूटन आती हो, सही पॉइंट है, पर मेरे को क्वेश्चन में कहा गया है कि मंकी को मैक्सिमम एक्सीलरेशन से भागना है, और अगर एक्सीलरेशन मैक्स होगी तो रस्सी में टेंशन भी इसका मतलब मैक्स रही होगी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये टी क्या चल रहा है? टी मैक्स पे चल रहा है क्वेश्चन। इसलिए अगर मंकी स्लो चल रहा होता, हाँ, फिर मैं इक्वेट ना करता, फिर टी मैक्स ना होता, क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन ठीक है आपका? तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? इसमें ये डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम अलग बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम में ये टी मैक्स है और ये 60 g है, तो टी मैक्स माइनस 60 g इज 60 into A max। मैन मंकी ऊपर जा रहा है ना, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि सपोज एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे एक मंकी लटका हुआ है, ठीक है, बंदा लटक गया और ऊपर चढ़ रहा है, इसकी टेल है ये, इसकी टेल पे एक और मंकी लटक गया और ये इसकी टेल है, ठीक है,
नहीं बस दो ही हैं, ठीक है। तो ये मंकी वन मंकी टू, अब ये जो मंकी है ना ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ये रस्सी चढ़ रहा है, ये इसकी पूंछ पे बैठा हुआ है पकड़ के, तो ये भी साथ साथ ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। अभी सेम एक्सेलरेशन, बोथ आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, पूंछ ही पकड़ी हुई है उसने, चढ़ गिर रहा है। अब इसकी जो टेल है ना, ये मंकी कहता है कि अगर आपने मेरी टेल में टेंशन 30 न्यूटन से ऊपर कर दी तो मेरी टेल टूट जाएगी, ठीक हो गया। तो मैक्सिमम टेंशन यानी कि स्ट्रिंग लेके चले तो मैक्सिमम टेंशन इसमें कितनी है, 30 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहां पे टेंशन क्या होगी और मंकी कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं। दोनों मंकी का मास गिवन है, एक का मास गिवन है 5 और एक का 2, ये लो, एक का मास है 5 kg, एक का 2 kg, सोच सकते हो। हाँ, इस टेल को लेने की जरूरत नहीं है, टेल हवा में लटक रही है, इसकी टेंशन जीरो है, क्या फायदा, ये टेंशन में है ये टेंशन में है। तो आपको इसमें टी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, बना लो डायग्राम, बना लो इसका 5G 2G, ट्राई करके देख लो 2 मिनट। देखो, इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैंने 2 ब्लॉक्स ले लिए, ये मंकी हैं, मंकी का डायग्राम मुश्किल लगता है, मैंने ब्लॉक्स ले लिए, ये रहे, ये पहला मंकी, ये दूसरा मंकी, डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन बन जाता है। ये वेट 2G, वेट 5G, यहाँ पे टेंशन
टीएनटी, यहां पे टेंशन 30 न्यूटन, राइट। तो यहां पे मैक्सिमम टेंशन जो टेल में है वो 30 न्यूटन है, ये मैक्सिमम है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस मंकी की बात करते हैं। ये मंकी ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है, ये भी ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है विद ए। तो ए की वैल्यू अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स कितनी है 30, नीचे कितनी है 2g। तो इक्वेशन, और ये एक्सेलेरेट कर रहा है तो ऊपर की फोर्स बड़ी और नीचे की छोटी, तो क्या बनेगा 30 - 2g इज इक्वल टू 2 × a। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो यहां पे जी की वैल्यू कितनी है 10। हाँ, मैं बोल ही नहीं लगा रहा है, लटका हुआ मैं तो कह रहा हूँ, वो तो इसकी वजह से एक्सेलेरेट कर रहा है। तो सिस्टम तो एक्सेलेरेट कर ही रहा है ना, चाहे ऊपर वाला मंकी उसे एक्सेलेरेट करवा रहा है, पर नीचे वाला कर तो एक्सेलेरेट रहा है, चाहे कोई करवाए उसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, ए की। और मैं एक बात बताऊँ, ये जो ए आएगा वो मैक्स आएगा, क्योंकि अगर आपने एक्सेलेरेशन 5 से ज़्यादा कर दी तो टेंशन 30 से ज़्यादा हो जाएगी, टेल टूट जाएगी, और टेल नहीं तोड़नी तो इसको 30 रखना है, तो ये ए मैक्स रहेगा। तो अगर ये मंकी 5 के साथ ऊपर जा रहा है तो ये मंकी भी 5 के साथ ऊपर जा रहा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से ऊपर की फोर्स क्या है टी, और नीचे की फोर्स क्या है 30 और 5g। तो नेट फोर्स बोलो, ऊपर की फोर्स t - 30 + 5g, t - 5g + 30 = 5 × a। कोई डाउट इसमें? ऐसी बनेगा ना, ये t है और ये 5g + 30 है, तो t - 5g + 30 = 5 × a। अब एक्सेलेरेशन नीचे वाले मंकी से हम निकाल चुके हैं 5, एक्सेलेरेशन को यहाँ 5 पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंशन के, स्ट्रिंग की टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो बनेगा ये फ्री बॉडी डायग्राम से जो बनेगा, देखो 5 kg का ब्लॉक के ऊपर की फोर्स क्या है टी, 5 kg के नीचे की फोर्स क्या है 5g और 30, तो ऊपर की फोर्स टी, नीचे की 30 और 5g, ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो नीचे की नेट फोर्स कितनी है 5g + 30। आंसर, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक।